अब बायो पहले आप बताओ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बायो कैसे रिलेटेड है अदर साइंसेस से फिर सेकंड क्वेश्चन है कि जो दूसरी साइंसिस है उनके साथ उन्हें शो करें और एक्सप्लेन करें उनका लिंक पहले आप बताओ कि बायोलॉजी होती क्या है आपने बायो की एक्सप्लेन किया थ्री टू तो फोर लाइन्स में फिर उसके बाद आपको बताना है कि बायो के अंदर जो है वो डिफरेंट फील्ड्स क्यों आती हैं जैसे मैंने आपको बताया कि जो मसल्स की मूवमेंट है वो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को स्टडी करती है आपके जो बैलेंस होते हैं या ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म जैसे बैलेंस होता है या उसका सर्टेन जो मैकेनिज्म होता है उनमें कुछ फिज़िक्स के लॉज इन्वॉल्व होते हैं तो इस वजह से उन लॉज को स्टडी करने के लिए हम लोगों को फिजिक्स जो होता है उसको भी स्टडी करना पड़ता है सो दैट्स वाई क्योंकि हम लोग फिजिक्स को स्टडी करें एट द सेम टाइम लिविंग थिंग्स के अंदर तो इसलिए हम लोग डिफरेंट फील्ड्स को जो होता है वो यूज़ करते हैं बायो के किसी भी फिनमना या किसी भी बॉडी ऑर्गन के फंक्शंस को शो करने के लिए या उनको एक्सप्लेन करने के लिए तो इसको आपने एक आपके पास ये हेडिंग बन बायो की सेकेंड आपने बताया कि हाउ इट इज रिलेटेड टू अदर एंड थर्ड आपने बताना है कि कौन कौन से से रिलेटेड है जैसे बायो फिजिक्स बायो केमिस्ट्री बायो मैथ्स बायो स्टैट्स बायो इकनोमिक्स तो उन सब को जो है वो आपने थ्री टू तो फोर लाइन में जो है वो एक्सप्लेन कर देना है आपके बुक के अंदर इसका आंसर जो है वो पेज नंबर सेवन पे है और जैसे आपके बुक के अंदर जो इसका आंसर में सर्टेन हेडिंग्स गिवन है आपने उसी तरह उन हेडिंग्स को जो है वो यूज करना है और आप कोशिश करें कि आप अपने वर्ड्स में जो है वो उन्हें एक्सप्लेन करें सेकंड क्वेश्चन है हाउ बायोलॉजी कैन रिलेट टू द करियर ऑफ मेडिसिन सर्जरी फिशरीज एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री बायोटेक्नोलॉजी हॉर्टिकल्चर फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री अब बायो के अंदर जो है वो सर्टन कैरियर कि जब कोई बायो पढ़ता है तो इट मीन्स कि वो आगे चल के बायो के कुछ मेजर फील्ड्स जो है उनमें से कोई एक फील्ड जो है वो चूज करेगा अब जब आपके फील्ड की चूजिंग होती है तो वो डिपेंड करता है कि आपने जो है वो कौन सा कैरियर आपका पैशन किस चीज़ में है आपका शौक़ किस चीज़ में है और दूसरा ये जो है ये कैरियर वाइज आपके लिए सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा अब जो क्वेश्चन है उससे पहले आप जो एक्सप्लेन करना है कि बायो के अंदर डिफरेंट फील्ड्स आती कैसे और क्यों आती हैं सेकेंड फिर आप बताओ कि कैरियर के अंदर पहले जो है वो मेडिसिन एंड सर्जरी ये दोनों एक ही है इसमें मेडिसिन के अंदर आपने फार्मेसी को एक्सप्लेन कर देना है सर्जरी के अंदर आपने एम बी बी एस एंड बी डी एस को एक्सप्लेन करना है फिर उसके बाद हमारे पास फ़िशरीज आती हैं फ़िशरीज मीनस की जो फिशज की फार्मिंग होती है या उनकी ग्रोथ वगैरह होती है या उनकी जो रिप्रोडक्शन वगैरह की जाती है आपके इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको हम लोग फिशरीज़ कहते हैं फिर एग्रीकल्चर आता है एंड देन एनिमल हजबैंड्री यानी कि आपके जो वेट्स होते हैं आपके जो एनिमल्स की ब्रीडिंग वगैरह के लिए जो साइंटिस्ट वग़ैरह होते हैं या जो उन पर रिसर्च करते हैं वो तमाम एनिमल हस्बैंड्री के अंदर आ जाते हैं

कि हम लोग जस्ट पैराग्राफ की तरह हेडिंग्स दें और उसके नीचे उन्हें एक्सप्लेन कर दें लेकिन जो ज़्यादा साइंटिफिक अप्रोच है वो ये है कि आप इस तरह से कॉलम्स क्रिएट करें और हर कॉलम में उनके जो यूनिक करेक्टर्स हैं उनको कंपेयर करें जैसे यूनि में क्या होता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है कॉलोनी में क्या होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन वो लिव टुगेदर कर रहे होते हैं थर्ड में क्या होता है कि आपने बताना है कि मल्टी सेलूलर में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्स पर कंसिस्ट होता है फिर आप यूनिसेलुल में डिवीजन ऑफ लेबर बता दें कॉलोनी में डिवीजन ऑफ लेबर और मल्टी सेलो डिवीजन ऑफ लेबर अगर आप इस तरह से कॉलम्स क्रिएट करेंगे तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करने में जो है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको इसके मार्क्स जो है वो दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा मिलेंगे इसका आंसर आपके बुक पे पेज नंबर ट्वेल्थ पे गिवन है फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर सोसाइटी अब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है पहले आपने इसे एक्सप्लेन करना है टू टू थ्री लाइन्स में फिर आपको बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो सोसाइटी के लिए कैसे हेल्पफुल है अब जैसे जितनी भी रिसर्च वग़ैरह हो रही है वो तमाम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर हो रही है जैसे वैक्सीस का क्रिएट होना न्यू एंटीबायोटिक्स का क्रिएट होना आपके हॉर्मोन्स का सिंथिस होना लैब्स के अंदर आपके सर्टन मेडिसन्स को होना फिर आपकी जो है वो जेनेटिक डिजीजेस को क्योर करना आपकी जो है जेनेटिक रिसर्च जो है वो एनिमल्स के अंदर जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स और प्लांट्स को क्रिएट करना वो तमाम जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं तो आपने पहले बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया उसके बाद इन तमाम फील्ड्स को जिसमें ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं आपके पास जेनेटिक क्योर आता है मेडिसिन का फिर आपके पास एंटीबायोटिक्स आती हैं वैक्सीन्स आती हैं उनको आपने टू टू तो थ्री लाइन्स में जो है वो एक्सप्लेन कर देना है आपकी बुक के अंदर जो है वो एक सर्टन पैराग्राफ इससे रिलेटेड नहीं है बल्कि पॉइंट्स हैं तो आपने इन तमाम पॉइंट्स को कुछ अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे जेनेटिक्स के बारे में बात करके एंटीबायोटिक्स के बारे में बात करके इंसुलिन और हार्मोन्स की प्रिपरेशन इन द लैब्स के बारे में आपने बात करनी है हेडिंग्स के साथ टू टू थ्री लाइंस में तो ये आपका पूरा आंसर जो है वो इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा और आपकी बुक के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो पेज नंबर एट पे गिवन है सिक्स क्वेश्चन है वाई बायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स गिव रीजन अब आपको तो बताना है कि बायोलॉजी होती क्या है और वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट यान के ह्यूम्स के लिए बायो का क्या बेनिफिट है जहाँ पे लिविंग थिंग्स की बात आती है वहाँ पे बायो की बात आती है और लिविंग थिंग्स मीन्स कि ह्यूमस और उससे रिलेटेड तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि उसको दुनिया में सर्वाइव करवाने में हेल्प करें तो उसमें जो है वो आपने रीजन्स बताने हैं कि जो है बायो को हम लोग क्यों स्टडी करते हैं डिजीज़ के लिए क्योर के लिए करते हैं अगर ह्यूमन बींग्स से जितने भी डिजीज़ का क्योर होता है वो बायो की वजह से वैक्सीनाइजेशन जो है वो बायो की वजह से होती है हमारी इम्यूनिटी को स्टडी करना इन्वामेंट को प्रोटेक्ट करना पोल्यूशन से वो बायोलॉजी की जिम्मेदारी होती है इसी तरह न्यू मेडिसिन को क्रिएट करना न्यू एनिमल्स को क्रिएट करना जो कि ह्यूमंस को जो है ज़्यादा फूड और मीट प्रोवाइड कर सकें तो वो तमाम जो है वो बायो के फील्ड्स के अंदर आ जाता है तो इसको जो है वो आपने एक्सप्लन करना है और आपकी बुक के अंदर इसका जो आंसर है वो पेज नंबर सेवन पे गिवन है इसके साथ ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीट हो गई आई होप आपको आज की एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ आ गई होगी दिस इज लाइबर आ फ्रॉम टिटोरा डॉट पी के साइनिंग ऑफ See you in the next video. Take care. Allah